Hello friends, let me discuss a very interesting story of an elephant today. I think all of you have been to circus. Kabhi na kabhi aap log circus zarur gaye honge. And there you see an elephant. Elephant in the circus, you see, you know, that elephant showed different kind of tricks, play football and different kind of games and entertain the audience. Now, you tell me, is it easy to train an element of that magnitude, an elephant of that magnitude? Now, it is quite difficult. So, what the circus people do, instead of training an adult elephant, they try or they start training of an infant. So they pick a kid, elephant kid, and then start training it. Or very rigorous training uski karte hain elephant ki, so that when that elephant becomes infant, that elephant could come into the front of audience and, you know, entertain people. But you tell me, you automatically can imagine, हाथी का बच्चा छोटा भी है बट क्या उसको ये सब ट्रेन करना आसान है. तो इन द स्टार्टिंग दैट किड बिहेव्स वेरी रफली एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द एंटायर क्रू टू कैप्चर दैट किड. तो यू नीड अ वेरी, यू नो, वेरी स्ट्रॉन्ग रोप और अ वेरी स्ट्रॉन्ग केज टू कैप्चर एलिफेंट किड. बट वॉट हैपन आफ्टर 2 or 3 months, वो बच्चा पूरी मेहनत करता है, पूरी कोशिश करता है, इधर उधर भागता है, उसको पकड़ के रखते हैं, एक बहुत मोटी रस्सी, एक बहुत एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिंजरा चाहिए, केज चाहिए उसको कैप्चर करने के लिए. बट व्हाट हैपेंस आफ्टर 2 or 3 months, वो जो किड है ना एलिफेंट का, वो धीरे धीरे सैड होने लगता है और उसको ये बात समझ आ जाती है, नो मैटर हाउ हार्ड आई विल ट्राई, आई कैन नेवर एस्केप फ्रॉम दिस सर्कस. ये बहुत मोटी रस्सी है, बहुत स्ट्रॉन्ग केज, और ये कभी नहीं टूटेगा. और यू नो, फ्रॉम दैट बिलीव वो किड धीरे धीरे शांत होने लगता है. नो, वट एवर द मास्टर, सर्कस मास्टर विल टेल दैट किड स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट. बोलते हैं उठ जाए तो उठता है, बैठ जाए तो बैठता है, और वो ऑटोमेटिकली सारे काम करता है. But you know what is the interesting part of the story? जैसे जैसे वो किड बड़ा होता है, it becomes an adult elephant. And you know, I know, nobody can control a adult elephant with a rope. आप उसको पिंजरे में बांध के नहीं रख सकते, आप उसको रस्सी से बांध के नहीं रख सकते. तो have you ever imagined when an elephant become adult, how the circus crew or how the circus guys, they try to hold that elephant? The answer is, किसी हाथी को सर्कस में बांध के रखना सबसे आसान काम होता है. तो किसी बड़े हाथी को सबसे पतली छोटी सी रस्सी से बांध के रखते हैं, उसके लिए कोई पिंजरा भी नहीं होता है. Now you must be thinking, हाथी भागता क्यों नहीं है? क्योंकि हाथी भी ना आपके और मेरी तरह बहुत होशियार और बहुत इंटेलिजेंट होता है. हाथी को याद होता है, इन द चाइल्ड हुड आई ट्राइड फॉर 2 or 3 months, और मैंने बचपन में ना 2 or 3 महीने कोशिश की थी और मुझसे ये रस्सी नहीं टूटी थी. और इस विश्वास के साथ वो पूरी जिंदगी में कभी दोबारा उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता है. एंड दैट एलिफेंट विल कीप स्टैंडिंग देयर, यू नो, पिटाई सहता रहता है रिंग मास्टर की, कीप एंटरटेनिंग पीपल, एंड वन डे दैट एलिफेंट विल डाई देयर इन द सर्कस ओनली. तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपकी और मेरी और बहुत सारे लोगों की मेंटल सिचुएशन भी उस हाथी की तरह ही है. व्हेन समबडी विल से यू कैन डू दिस थिंग, आप क्या सोचते हो? नहीं, मुझसे नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बचपन में नहीं हुआ था. 10th क्लास में आपके 98% मार्क्स नहीं आए थे, 12th क्लास में आपने टॉप नहीं किया था, तो गेट में आपकी अंडर 10 रैंक कैसे आ जाएगी? लेट मी टेल यू द बेसिक रीजन, 12th क्लास में आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी. बट इसका ये मतलब नहीं कि इन द फ्यूचर लाइफ आप कभी अच्छा नहीं कर सकते. यू नो वट, सो द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज, यू कीप ट्राइंग हार्ड. एंड लेट मी टेल यू, इट इज नॉट द रीजन दैट इफ दैट डे दैट रोप डिडंट ब्रेक, तो फ्यूचर में कभी ब्रेक नहीं होगी. रोप ब्रेक होगी, यू कीप ऑन ट्राइंग. आई कैन अश्योर यू, यू कैन हैव योर और कंपनीज, आप बड़े बड़े स्टार्टअप्स बना सकते हो, यू कैन यू नो क्रैक अ वेरी गुड रैंक रैंक्स इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू वंडर्स. बट द बेसिक logic is, you keep on trying, don't stand like a idiot like that elephant did in the circus. To us circus ke hathi ki tarah aapko nahi karna, aapko prayas karte rehna hai, and one day that rope will break, wo rassi tootegi, and you will do wonders in life. Okay, thank you.